हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं ए प्रेयर फॉर माय डॉटर। तो इसके बीच में क्या है, एक पिता अपने बच्चे के लिए प्रेयर कर रहा है भगवान से कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके हिंदी के अंदर समरी बता दूं, क्योंकि आपको हिंदी के अंदर अगर समरी पता है तो आप इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। होता क्या है कि एक एनवायरमेंट के बारे में वर्णन किया है। एनवायरमेंट में क्या है, तूफान आ रहा होता है, ठीक है, तूफान की आवाज जा रही होती है, और इसकी जो बेटी है वो एक क्या है, पालने में पड़ी होती है, मतलब कि एक झुंडे के अंदर होती है, छोटी सी होती है। छोटी होती है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी बेटी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और ये भी कहता है कि मेरी बेटी के अंदर जैसे इसकी माँ वैसी क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो गलती की है इसकी माँ से शादी करके, क्योंकि वो उसके अंदर कोई ऐसे रीजन थे जिसके कारण उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और वहां का जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में इसको कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बीच में वो कहता है कि इन सब से लड़ने की मेरी बेटी को ताकत देनी चाहिए। तो क्या क्या हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक चाहता है, विशेषताएं चाहता है, क्या उसके अंदर होनी चाहिए, तो वो दो एग्जाम्पल देखता है। एक तो होती है हेलन, जो कि ट्रोजन वाली होती है, जिसके अंदर जिसको लेकर वार हुई थी। दो राजाओं के बीच में जो वार हुई थी वो हेलन को लेकर हुई थी, क्योंकि हेलन बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। ठीक है, और ये जो है जो हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि ब्यूटीफुल होना ज्यादा जरूरी नहीं है। ब्यूटीफुल के अलावा अगर वो काइंड हार्टेड वाली भी है, मतलब कि सभी के साथ मिलके रहने वाली, या उसका दिल साफ होना चाहिए, उसका करने का तरीका किसी भी काम को वो अच्छा होना चाहिए, तो क्या वो बहुत महान बन सकती है। और उसने एक और एग्जाम्पल दिया था जो कि ग्रेट क्वीन के बारे में है, जो कि समुन्दर के जहाज से उसकी उत्पत्ति हुई थी, उसका भी ये एक एग्जाम्पल देता है। मतलब कि दो यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। वो कहता है कि इन दोनों की तरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अब उसने क्या कहा है कि भगवान इसे इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल भी ना बनाए। क्यों? क्योंकि अगर इसको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया तो ये क्या करेगी, एक शीशे के आगे अपने आप को देखती रहेगी डेली उठ के। तो ये भी ना हो कि लोग इसे ताड़ते रहे, देखते रहे बार बार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही सुंदर है। बट इसे क्या, काइंड हार्टेड वाली बनाया जा सके, काइंडनेस इसकी ना खत्म हो जाए, इसीलिए इसको क्या है उतना ही ब्यूटीफुल बनाए जितना कि ठीक ठाक हो। और एक चीज और उसने बताई है कि कभी भी जो काइंडनेस है, अगर किसी भी इंसान के अंदर काइंडनेस है, तो वो किसी के भी दिल को जीत सकता है, मतलब कि किसी को भी अपनी तरफ सम्मोहित कर सकता है, या किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकता है, कोई भी अपना दोस्त बना सकता है। बट अगर कल्ला ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल होने से ही वो अपना दोस्त बना लेगा, बट वो काइंड हार्टेड ना होने के कारण उसे खो भी सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल होना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, काइंड हार्टेड होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं बताता है। और एक और विशेषता बताता है, जैसे कोई एक बर्ड है, वो बर्ड जो साउंड मतलब कि जो सॉन्ग गाती है वो तो बहुत ज्यादा सुंदर होता है, बट वो दिखाई नहीं देता है। सॉन्ग गाती है बट वो दिखाई नहीं देता है, इस तरह से उसने उसके बीच में क्वालिटी मांगी है। यहाँ पर लिखा है जैसे काइंड हार्टेड पर्सन इज इम्पोर्टेंट, तो मतलब काइंड हार्टेड होना चाहिए। और उसने कहा है कि इसके दिमाग में कोई भी नफरत नहीं होनी चाहिए लोगों के प्रति, अगर इसके दिमाग में नफरत होगी तो ये अपने आप को ही अंदर से मार देगी। और एक चीज और उसने की है, जैसे कि लोगों के ओपिनियन से प्रभावित ना हो, मतलब कि लोगों ने तो कुछ ना कुछ उसको कहना ही कहना है, तो वो उन लोगों से प्रभावित ना हो जो उसके बारे में गलत बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं। और उसने कहा कि अगर इसका दिमाग बहुत ज्यादा इनोसेंट होगा, इसके दिमाग में कोई नफरत नहीं होगी, तो ये एक भगवान की ही मर्जी होगी, भगवान के हेवन के अंदर ही इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। अब अपने चलते हैं इंग्लिश की इसकी समरी पे। इंग्लिश की समरी के अंदर इसने देखो, आपको मैं यहाँ पे कुछ कुछ लाइनें अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो जैसे कि इसने क्या कहा है कि ग्रीगोरीज वर्ल्ड वुड का, ठीक है, एक ये एरिया बता दिया कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पे इस कहानी की शुरुआत होती है वो ग्रीगरी वुड का एक नियरेस्ट क्षेत्र है। वहां पे क्या है, एक हिल है, एक पहाड़ी है, जहाँ पे क्या है तेज हवाएं चल रही है जिसको कोई भी रोक नहीं पा रहा है। उसके घर के अंदर का सीन बता रहा है। फिर होता क्या है, उसे एंड फॉर एन आवर एक घंटा हो चुका है और वो घर से बाहर की तरफ निकल चुका है, और वो भगवान से ये प्रेयर कर रहा है कि उसे बहुत ज्यादा दुख ना हो, उसके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा ही परेशानियां चल रही हैं अपनी बेटी को लेकर। आई हैव बीन वॉकिंग एंड प्रेइंग फॉर माई डॉटर फॉर एन आवर, तो वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से अपनी बेटी के लिए। आई हैव डन फॉर आई हैव हियर्ड स्क्रीमिंग साउंड ऑफ ओशन, और उसे क्या है ओशन की साउंड देखने को मिल रही है, जो तेज हवाएं चल रही हैं, लहरें चल रही हैं, तो वो ये सोचा है कि उसकी बेटी के ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए। आई हैव एगरली
इमेजेंड एज इन ए ड्रीम डे ड्रीम दैट आवर फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर, और उसे ये लग रहा है कि ये उसका फ्यूचर है। तो फिर होता क्या है, डांसिंग टू ए वाइल्ड ड्रम बीट एंड अराइजिंग फ्रॉम द हार्ट हार्मफुल येट ब्लेमलेस ब्लेमलेस ओशन। तो वो जो ओशन है उसकी तरफ भी इशारा करते हुए कुछ बातें बता रहा है। तो अब वो अपनी बेटी के बारे में कहता है कि वो इतनी ज्यादा सुंदर, मतलब सुंदर तो होनी चाहिए बट इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि लोग उसके पीछे पागल हो जाए, ठीक है। और वो अपने आप को मिरर के अंदर झांकती भी ना रहे, वही चीजें जो मैंने बताई हैं वही वही बता रहा हूँ। और उसका नेचर जो है वो क्या है, काइंड होना चाहिए ताकि वो सभी के साथ सही ढंग से बिहेव कर सके और बहुत अच्छा उसका नेचर हो। उसके अलावा उसने कहा है कि उसे एक अगर काइंड नेचर किया तो उसे एक अच्छा रोमांटिक पार्टनर मिल सकता है। और उसने क्या क्या, जैसे कि हेलन ऑफ ट्रॉय के बारे में मैंने आपको एक कहानी बताई थी, और एक ओशियन की जो देवी है उसके बारे में एक कहानी बताई थी, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आई हैड हैव माई डॉटर एजुकेटेड मैनली इन मैनर एंड सिविलिटी, मतलब कि उसकी जो एजुकेशन है वो भी अच्छे ढंग की होनी चाहिए ताकि वो सही ढंग से पढ़ सके और लोगों से ज्यादा इफेक्ट ना हो। जो लाइन्स मैंने आपको बताई हैं वही वही लाइन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और उसे हर चीज़ क्या एक गिफ्ट की तरह लगनी चाहिए, ना कि किसी के ऊपर नफरत होनी चाहिए। एंड मैनी पुअर मैन हु हैव रोम्ड अबाउट लव्ड एंड फेल्ट लव्ड बाय अदर अट्रैक्टेड आर वुमेन बाय सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब कि क्या है कि सिर्फ जो लोग हैं वो क्या करें उसकी ब्यूटी से प्रभावित ना हो बल्कि उसकी काइंडनेस के ऊपर भी फिदा हो जाएं। क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो बस एक ब्यूटी के ऊपर डिपेंड होने के बावजूद उसने शादी कर ली थी और उसको बाद में जो परेशानियां होती हैं या उसकी जो बेबी होती है वो ये नहीं चाहता कि वो अपनी माँ की तरह बने। फिर वो बताता है कि जो उसका दिल है वो काइंड हार्टेड होना चाहिए और ये भगवान के द्वारा ही उसे दिया गया है, ठीक है। माई माइंड बिकॉज द माइंड आई हैव लव्ड एंड काइंड ऑफ ब्यूटी आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू कम टू नथिंग, कहता मैं ब्यूटीफुल ब्यूटी के तरफ भागा जिससे मुझे कुछ भी नहीं मिला। आई नो बींग फुल ऑफ हेटेड माई बी द रोस्ट ऑफ ऑल इविल्स, और मैं हर बुराइयों से क्या नफरत करने लग गया। इफ ए माइंड इज फ्री ऑफ हेटेड, अगर तुम्हारा माइंड क्या है शांत है किसी भी नफरत के साथ नहीं है तो तुम क्या कभी भी तुम्हारे अंदर जो नफरत की भावना वो पैदा नहीं हो पाएगी। और उसने बाद में ओपिनियंस के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पे आप लाइंस पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसने काइंडनेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया है कि ब्यूटीफुल होना ज्यादा जरूरी नहीं है, काइंडनेस होना ज्यादा जरूरी है क्योंकि काइंडनेस के द्वारा आप किसी को भी जीत सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।